है आपको, या कोई तो वो बैलेंस आपको बताया जाता है कि करना है, या डज इट कम नेचुरली टू यू, एंड हाउ डिड यू मेक दैट बैलेंस फॉर दिस ड्रामा? नहीं, कुछ ऐसा तो नहीं बताया गया कि कुछ बैलेंस करना है। कहानी थी, कहानी का जो एक भाव था वही हमें लेके जाता रहा आगे। कोई ऐसी कोशिश नहीं की कि इसको ऐसा बनाया जाए कि हाँ, ये था जहन में कि जो हम कहना चाहते हैं, जो मैसेज देना चाहते हैं, वो लोगों तक पहुँचे। और उसको पहुँचाने के लिए मेरे ख्याल में ह्यूमर अच्छी एक, है बिल्कुल है। ह्यूमर सबसे अच्छा आपको कहीं ना कहीं जाके हिट करता है। हाँ, संजीदगी से, आवाज़ बिल्कुल देने से, या बिल्कुल मुबल्लिग बन जाएं, राइटर भी और डायरेक्टर बिल्कुल भी और एक्टर बिल्कुल भी, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो उससे बेहतर है कि एक जुमले में कुछ ऐसा कह के निकल जाए हाँ। कि लोगों को अच्छा भी लगे और कहीं ना कहीं वो बाद में सो सोचे भी उसे चेंज सोचने भी करें। उस पे मजबूर हो जाए। वो कौन कौन से पॉइंट्स थे, जो कोई था ऐसे ब्रीफ थी कि इन इन नुक्तों को जोड़ के आपने कहानी लिखनी है? और अगर हम इसके पर्पस की बात करें तो इज़ इट मेटर्नल हेल्थ, इज़ इट फैमिली प्लानिंग? शुरू हुए थे पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। राइट जब हमारी पहली मीटिंग हुई आज से 2 साल पहले, तो हमारे पास जो मौजू था जिसके ऊपर हमें ड्रामा बनाना था वो पॉपुलेशन कंट्रोल था। लेकिन जैसे जैसे हमारी मीटिंग होती रही, तो हमने फिर जब मुस्तफ़ा केम अप विद दिस आइडिया कि नहीं, वो अभी नहीं आई। मैंने कहा अगर वो आई है तो मैं उससे पहले किसी और को नहीं दूंगा, बट ओके आप ऐसा हो गया। तो मुस्तफ़ा का ये ख्याल था, मुस्तफ़ा ये आइडिया लेके आए कि हमें एक फर्जी इलाका बनाना चाहिए जो कि गांव का प्रेमिस होगा, लेकिन वो हमें एक छोटा पाकिस्तान लगेगा। बिल्कुल। तो पाकिस्तान में तो और भी मसाइल हैं औरतों को लेकर, जी। तो फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता इसमें हमने कहा कि कुछ और मसाइल जो औरतों को पेश आते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तानी औरत के, उनको थोड़ा थोड़ा एड्रेस करना चाहिए। तो इसमें हम वुमेन एजुकेशन जी पे हमने बात की है, इसमें हमने चाइल्ड लेबर पे बात की है, इसमें हमने मेटरनल हेल्थ पे बात की है, इसमें हमने पॉपुलेशन पे बात की। तो बुनियादी तौर पे ये 4 मौजूआत कहीं ना कहीं आपको नज़र आते रहेंगे, लेकिन कोशिश हमेशा हमारी यही रही है कि हम ना उम्मीद ना फैलाएं मसाइल बता के, हम एक उम्मीद के साथ चलें। होपफुल, लाइक बिल्कुल 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 सर्वाइवल, होप होप, ये सब बिल्कुल कुछ, ये बिल्कुल सब कुछ। सो ड्रामे को रिस्पांस तो बहुत अच्छा मिल रहा है, और राइटिंग स्ट्रांग है, डायरेक्शन स्ट्रांग है, वो पहली फ्रेम से ही नज़र आता है कि एक सोच है, एक डेप्थ है, लेयर्स हैं ड्रामे में, कॉन्वर्सेशन में, परफॉर्मेंसेस बहुत खूबसूरत सामने आ रही हैं। ऐसे ड्रामों की वो रेटिंग क्यों नहीं आती जो एक दकियानूसी या एक रिग्रेसिव वायलेंट, अब तो वायलेंस इतनी बढ़ गई है टेलीविजन पे, आप लोगों के इतने सालों से आप लिख रहे हैं, आपके अंदाजे में ऐसे ड्रामों की रेटिंग क्यों नहीं आती? बिकॉज ये तो आवाम को देखना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक अजीब सी बात करूंगा। मुझे किसी ने कल कोई स्टैटिस्टिक बताया था कि कोक स्टूडियो के किसी नंबर की व्यूअरशिप शायद 13 मिलियन है, और वो जो एक साहब हैं वो चाहत फतेह अली चाहत खान, फतेह जी जी अली, जी उनकी कोई 15 मिलियन है, नहीं उनकी 20 हो गई है अब तो 20 हो जी, गई है। आज सुबह तो उनकी बस 20। ऐसे माशरे में हम क्या गिला करें, किससे गिला करें? राइट ठीक है, हमें अपना काम करते रहना चाहिए। ठीक है, हमें मेरे ख्याल से इस रेस में पढ़ना ही नहीं चाहिए, और हम पढ़ते ही नहीं, नहीं पढ़ते। रेटिंग आती है नहीं आती है हमारे अक्सर ड्रामों की नहीं आती, हम लेकिन अपनी बात कर रहे हैं। मगर आपको लगता है कि एज राइटर्स डायरेक्टर्स जो कि क्वालिटी काम कर रहे हैं, जो मैसेज नहीं देख रहे, टीआरपीज़ नहीं आ रही, आपको एज अ आर्टिस्ट क्या एक्सपेक्टेशन होती है? बिकॉज एक जारी बात है, एक कुछ तो रूह को तो तस्कीन मिल रही है कि अच्छा प्रोजेक्ट बन रहा है, लेकिन अप्रिसिएशन भी मिल रही है, लेकिन आर यू सेटिस्फाइड विद द वर्क दैट यू आर डूइंग, और डू यू वॉन्ट कि हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट भी करें कि आई थिंक वी आर यू आर हमें नहीं करना प्रोजेक्ट, हमें कभी किसी का नहीं नाम करना, नहीं लूंगा।
लेकिन हम चाहें तो हम भी कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है, हम चार ड्रामे देखेंगे तो फॉर्मूलाज हैं बिल्कुल, लेकिन हमें नहीं करना, हमें वो अपील ही नहीं करता। जब पढ़ते हुए मैंने पता नहीं मुद्दत से कौन सा पाकिस्तानी ड्रामा देखा ही नहीं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा लेकिन बखुदा नहीं देखा, नहीं देखा। हम जब बात भी करते हैं हम मुख्तलिफ दुनिया के दुनिया का काम देखते हैं, तो हमें ऐसे एग्रेसिव औरत नहीं दिखानी, हमें ऐसे टॉक्सिक मर्द नहीं दिखाने, और अगर दिखाने भी हैं तो फिर उनको उस लाइट में दिखाना है कि आपको वो कोई सबक ही देकर कोई पर्पस होना चाहिए, कोई पर्पस हो। जी बिल्कुल, हमारी हीरोइन लड़कों के ख्वाब नहीं देखती, हाँ कुछ और ख्वाब है उसे, बिल्कुल बिल्कुल, उसको शादी नहीं करनी, नहीं करनी, मुसल्ले पे बैठ के दुआएं नहीं करनी, आएगा मेरा अकबर खान और चले जाएगा नहीं। तो हमारी जो ख्वातीन हैं या मर्द हैं हमारे उसके ड्रामों में, चाहे वो ख्वाब नहीं बेचते, कोशिश करते हैं कि वो हमारे किरदार भी ख्वाब ना बेचें, हम भी ना बेचें। ये आपके दो जो मेन कैरेक्टर्स हैं, इनकी कास्टिंग कितनी मुश्किल या आसान थी? ये क्या बर्थडे द फर्स्ट ऑन योर लिस्ट के आपके पास पूरा एक पूल था कि इन लड़कियों में से एक लड़की होनी चाहिए या इन एक्टर्स में से एक होना चाहिए, या हाउ डिड यू कास्ट, कास्टिंग कैसे हुई मेन कैरेक्टर्स की? सजल तो आ गई थी जब हम लिख लिया और उसकी कोई इतनी शक्ल बन गई हमारे स्क्रिप्ट की, सजल ज़हन में फाइनल कर ली थी और बाकी था लेटर हुई है। लेकिन ये कि हमजा के लिए भी हमने दो तीन नाम ही थे हमारे पास जिसमें से हमजा शॉर्ट लिस्ट हुआ, क्योंकि इस कास्टिंग में कश फाउंडेशन भी इन्वॉल्व था। तो सजल को लेके शुरू में ये हुआ कि हमारे पिछले प्रोजेक्ट में भी सजल थी, फिर सजल आ जाएगी, तो फिर लेकिन मुस्तफ़ा ने और हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि भाई हमारे किरदार को एक ऐसी लड़की चाहिए कि जिस जो सजल मेरे साथ काम कर चुकी है, सजल को वो मसाइल नहीं होते जो बहुत सी लड़कियों को होते हैं। कैसे? मेकअप नहीं करना था, बिल्कुल मेकअप नहीं करना, सजल को मैंने मेकअप नहीं किया, सजल 5 मिनट में तैयार हुई, हाँ बिल्कुल, जिस प्रोजेक्ट के लिए, इसलिए नहीं कि जल्दी तैयार करना था, इसलिए कि मैंने उसे एक मिट्टी के घर में रहने वाली लड़की दिखाया था, उसको शौक है, वो थोड़ा बहुत आईना देखती है, अगले एपिसोड में देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बनी ठनी। इस एपिसोड में जो वो डांस था कि ढोल बज रहा है, मैंने कहा कि यार ये तो इतनी नेचुरल परफॉर्मेंस है, तो मैंने सजल को मैसेज भेजा तो उन्होंने कहा मेरा इसमें भाई कोई कमाल नहीं है, ये लिखा गया था कि तुम उमराव जान की वो रकासा नहीं हो और तुम्हारा हेयर एंड मेकअप ऐसा नहीं होगा, और मैंने सिर्फ ब्रीफ फॉलो किया है, मैंने कहा लेकिन बड़ी बात है, नहीं करते एक्टर्स, आर्टिस्ट नहीं करते, नहीं करते और किरदार को पकड़ लेती है वो, हाँ। उसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि वो मेकअप में जाए, बिल्कुल, उसने साइकिल भी चलाई है, गिरी भी है और इतना कुछ उसने भी हुई है, हुई है। नहीं आती है, शाम में सही तरह सीखी झाड़ियों में गिर गई, मतलब नाले में, बिल्कुल नाले के अंदर जाते हैं, लेकिन वो रुकी नहीं, फिर भी करती है। और हमजा का भी ये कि आई थिंक बहुत पोटेंशियल लेके ही इज अ राइजिंग आर्टिस्ट, मैं तो कहूंगी स्टार नहीं कहूंगी, राइजिंग आर्टिस्ट के, हां वेरी चार्मिंग एब्सोल्युटली, हम उनको देख रहे हैं। हमारे एक और होस्ट हैं, वो दाखिल हुए हैं, कैसे हैं